नेक्स्ट टॉपिक इज योर सिंगल मूवेबल पुली. बच्चे पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल दैट इज नॉट फिक्स्ड. उसमें क्या था कि वो पुली जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स्ड है. इसमें क्या, वो पुली जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है, उसको हम बोलते हैं बच्चे मूवेबल, सिंगल मूवेबल पुली, क्योंकि ये सिंगल है. इसका डायग्राम इस तरह से है बच्चे. अब इसमें देखो, यहां पर भी आपकी टेंशन लग रही है, यहां पर भी टेंशन लग रही है, और यहां पर आपकी एफर्ट किस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन को लग रही है, विच इज डिफिकल्ट यहां पर. अब पहले उस वहां जाने से पहले, आगे कैलकुलेशंस करने से पहले एक चीज देखो बच्चे, आपका लोड नीचे लग रहा है. लोड को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक ही टेंशन है, इस केस में आपकी ये भी टेंशन, दोनों मिलके लोड को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है. लेकिन एफर्ट को सिर्फ एक ही टेंशन क्या कर रही है बच्चे, बैलेंस कर रही है यहां पर. इज इट क्लियर? तो लेट अस सी हियर इस तरफ. तो इसलिए आपका लोड क्या बन गया, T प्लस T इज इक्वल टू 2T, और एफर्ट के लिए आपकी सिर्फ एक ही टेंशन है, T. अब अगर मुझे यहां से, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी जो एफर्ट है वो लोड से क्या लग रही है, हाफ लग रही है यहां पर. ऑल्सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाय एफर्ट. लोड कितनी है, 2T, एफर्ट कितनी है, T. टू टी टी कैंसिल, तो कितना आ गया, 2. अब 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है. तो रिमेंबर, जो आपकी सिंगल मूवेबल पुली होती है, इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. वो किसका काम करती है, फोर्स मल्टीप्लायर का. और मैंने आपको क्या बताया कि जो एफर्ट है लोड की हाफ है. मतलब अगर आपकी मान लो एफर्ट डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डी हुई है, तो लोड क्या होगा, सिर्फ उसका हाफ होगा, क्योंकि जो एफर्ट है वो लोड की हाफ लग रही है बच्चे. तो अगर मान लो एफर्ट में डी मूवमेंट हुई है, ठीक है, तो जो लोड है वो भी सिर्फ हाफ ही मूव करेगा. क्लियर आर नॉट? क्योंकि जो एफर्ट लग रही है वो लोड के हाफ लग रही है. तो अगर मान लो वो डी एफ डिस्प्लेसमेंट करी है एफर्ट ने, तो लोड की डिस्प्लेसमेंट उसकी सिर्फ हाफ ही होगी, दैट इज डी बाई टू होगी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन आर नॉट? ठीक है, दिस रीजन इज दैट द सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली मूव्स अप बाय डिस्टेंस डी बाय टू. अब वेलोसिटी रेशियो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हुई है डी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड सिर्फ उसकी हाफ हुई है डी बाय टू. तो ये टू ऊपर चला गया, डी डी कैंसिल, कितना आ गया, 2. अब वेलोसिटी रेशियो का आंसर भी 2 आ गया. अब हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. मैकेनिकल एडवांटेज 2, वेलोसिटी रेशियो 2, 1 आ गया 100%. लेकिन एक्चुअल में 100% नहीं होती, क्योंकि पुली में फ्रिक्शन आ जाती है, या मान लो वेट ऑफ द पुली हो जाता है, या स्ट्रिंग का, ये सारे फैक्टर्स की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 2 हो जाता है. मैंने आपको बताया है वेलोसिटी रेशियो पे कभी चेंज नहीं आता, हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारी क्या रहती है, 100% से कम हो जाती है. अब जो हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं बच्चे, उसमें क्या करेंगे, दोनों को लगा देंगे. एक हम लोग मूवेबल पुली भी लगाएंगे, एक हम लोग फिक्स्ड पुली भी लगाएंगे. बच्चे रिमेंबर, पेपर में ऐसे ये डायग्राम बना जाता है, फिर आपको पूछते हैं, आपको बताना है कि ए वाली कौन सी पुली है, बी वाली कौन सी पुली है. तो आपको पता है जिसमें लोड को दो टेंशन बैलेंस करती हैं, दैट इज योर मूवेबल पुली, और जिसमें एक ही लोड को एक ही मतलब बैलेंस करती थी, दैट वॉज योर फिक्स्ड पुली. तो ये ऊपर वाली आपकी फिक्स्ड पुली है, ये वाली आपकी क्या है, मूवेबल पुली है. तो फिर आपको ये पूछते हैं कि आपने क्यों लगाई, मूवेबल पुली के साथ फिक्स्ड पुली लगाने की क्या जरूरत पड़ी आपको, क्योंकि इसके साथ हम लोग एफर्ट ऊपर को लगा रहे थे. देखो बच्चे यहां पर हमने देखा एफर्ट हमें कहां पर लगानी पड़ी, ऊपर को, जो बहुत मुश्किल होती है. तो एफर्ट को हम लोग नीचे से लगाएं, ये करने के लिए हमने क्या किया, मूवेबल पुली के साथ एक कौन सी पुली लगा दी, फिक्स्ड पुली. अब देखो अब हमें एफर्ट कहां पर लगानी पड़ेगी, नीचे को. सो ये लिखा है, विद द सिंगल मूवेबल पुली इट इज इनकन्वीनियंट टू अप्लाई द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऊपर में एफर्ट लगानी मुश्किल थी, इसीलिए हमने क्या किया, एक फिक्स्ड पुली को यूज किया विद द मूवेबल पुली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब देखो फिर से बच्चे, इस लोड को बैलेंस करने के लिए फिर से दो ही टेंशन है, एल इज इक्वल टू टी प्लस टी, कितना आ गया, 2T. इस एफर्ट को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक ही टेंशन है, तो E is equals to T. तो मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर कितना आ गया, L by E, 2T by T, that is 2. पहले पढ़ा है, अगर DE D distance move किया है, तो displacement of load कितना होगा, उसका half ही होगा. तो फिर से ये भी आंसर कितना आ गया, 2. तो इसका मतलब जब भी आप कभी फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली को कंबाइन करोगे, तो आपका क्या बनेगा, एक तरह से वो सिंगल मूवेबल पुली का ही रिजल्ट रहेगा. मतलब जब आप उनको कंबाइन भी कर देते हो, तो भी वो सिंगल मूवेबल पुली वाले रिजल्ट से आएंगे, क्योंकि उसी में देखो मैकेनिकल एडवांटेज भी आपका 2 आया था, वेलोसिटी रेशियो भी 2 आया था. अब हमने कंबाइन भी कर दिया, तो भी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है. तो समझ आ गया सबको बच्चे, जितना मैंने अभी करवाया आपको.